तो गाइस मूड खराब हो गया, अभी समझ ही गए हो गए अंडे दिखा रहा तो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कल रात से इसके बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने सोचा था चलो अभी देख लेता हूँ। ठीक है, अंडे में कितने में बच्चे हैं, तो ये नंबर 8 और नंबर 9 में सिर्फ बच्चे हैं और बाकी सारे के सारे अंडे खा लिए हैं, पूरे अंडे खा लिए हैं भाई। यार किस्मत ही बेकार है भाई, जो मतलब इतने टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, एक बच्चा दो बच्चा ऐसे हो रहा है। अभी ये एक इसमें बच्चा और एक इसमें, बाकी ये सारे अंडे खा लें, इसलिए मैंने वो सेंटर में कर दिया। अभी निकालूंगा नहीं वरना अच्छे से बैठेगी नहीं वो। बहुत गलत सीन लगता है भाई, 9 अंडों में से 2 अंडे में से बच्चे निकल गए, पता नहीं अभी अंडे फर्टिलाइज नहीं हुए अच्छे से यार, ये या तो ये अच्छे से नहीं बैठी, पता नहीं अभी क्या सीन है क्या नहीं भाई, है कि नहीं। अभी देखो बाकी अंडे यार बाहर पड़े थे क्रेट में, ठीक है, तो पर इतनी यार गर्मी थी नहीं कि अंडे ख़राब हो, गर्मी की वजह से इतने दिन इसने लगाए भी नहीं, रेगुलर अंडे दिए हैं अपनी मादी ने, है ना। तो यार पता नहीं क्या है क्या बोले, मैंने सोचा चलो यार इस बार कम से कम 5-6 अंडे में से बच्चे की मैंने उम्मीद लगा रखी थी कि चलो 5-6 अंडों में से बच्चे निकलेंगे, बाकी जाकर ख़राब भी हो जाते हैं। अभी अपने यार छोटे चीने के बच्चे थे वो, ठीक है, अभी उसमें से भी 2 बच्चे बन रहे हैं, अभी 2 बच्चे बने हुए हैं, ये भी शोर नहीं है भाई कि वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ठीक है, वो भी शोर थोड़ी ना अभी कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो यार सोचा तो अच्छे से, ठीक है, इस बार निकाल देगी, पर पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है, किस्मत ही हमारी ख़राब मान लो या तो क्या। अभी यार कितने टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लास्ट हमारे बच्चे निकले थे किंग वाले, ठीक है, किंग वाले, उससे पहले देखो मैं आपको पूरे बताता हूँ कैसे कैसे क्या सीन था अपना। सबसे पहले थे जो ये अभी वाले की बात कर रहा हूँ, जो पट्टे थी ना, हाँ गब्बर वाले, 13 बच्चे थे अपने पास, ठीक है, बच बचा के सारे बच्चे चोरी चोरी होने के बाद मरने के बाद बचे थे इनमें से 7, ठीक है। तो उसके बाद अपने थे ये जो अभी अपना देसी है, ये 5 बच्चे थे, इसमें से भी 2 बच्चे, एक बच्चा कुत्ते ने मार दिया था, दूसरा बच्चा अपने बड़े पीले ने या तो कालू क्याल मुर्गी ने मार दिया था, ठीक है, तो बच्चे थे ये 3, ठीक है। उसके बाद आए थे अपने, उसके बाद अपनी 3 मुर्गियों के बच्चे मिक्स होके निकले थे, ठीक है, 3 अपने वाइट लेग वाले के, 4 बच्चे निकले थे अपने बड़े चीने के, ठीक है, गंजी मुर्गी के साथ जिसमें से 3 पट्ठे थे, 1 चीना पट्ठा था, और 4 निकले थे अपने गब्बर के कालनो केल पट्टी के साथ जिसमें 4 पट्ठे थे, जिसमें से अभी एक काले वाला पट्ठा बचा जो आपको मैं दिखाता होता हूँ, ठीक है, ठीक है ये। और उसके बाद निकले थे किंग के, सीधा किंग के निकले थे अपनी जो मादी आई थी अपने पास फ्रीड कोर से, वो किलो वाली, ठीक है, उसके निकले थे सीधा 11 बच्चे 13 में से, वो लास्ट मेरे ख्याल से नहीं 11, उसके बाद अपनी क्वीन के बच्चे निकले थे जो अभी चिट्टी पट्टी है ना, जो अपने काले पट्टे के साथ घूमती है, वो भी निकले थे 5 बच्चे, ठीक है। उसके बाद से भाई बच्चे नहीं निकल रहे, उसके बाद मैंने 2 बार मादी बिठाई थी, ठीक है, दोनों मतलब एक तो वो बिठाई थी, आपको यार अभी मैं कैसे बताऊँ, मैंने उसका नाम भी नहीं रखा था कोई, एक मेरे पास बदामी सी मुर्गी थी ना जिसकी आँखें बंद रहती थी, वो उसने भी नहीं निकाले जबकि वो मुर्गी हैं बच्चे निकालने में बहुत एक्सपर्ट थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक काली बिठाई थी दोस्त से लेके आया था जिसके 2 बच्चे निकले थे अपने छोटे चीने के पट्टी के साथ, ठीक है, उसमें से भी 2 मैंने वहीं भेज दिए थे। उसके बाद फिर मैंने वो पट्टी बिठाई थी अपने छोटे चीने के साथ की, तो उसने भी 3 बच्चे निकाले थे 12-13 अंडों में से, उसमें से भी 2 मर गए, ठीक है, मतलब वो चिड़िया ले गई थी उठा के उन्हें, तो एक ही बचा था। अभी फिर से यार मतलब क्या बोले, मतलब फिर से अभी एक बच्चा निकला था अभी पीछे जो नीचे बैठ घूमता है, ठीक है, अब फिर से मेरे ख्याल से 1-2 बच्चे निकलेंगे, वो भी अभी शोर नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बस इतना पता उनमें बच्चे बने हुए हैं, बाकी सारे अंडे खाली लाल पूरे। तो यार आपको पता है ना जिस चीज़ की ब्रीड आपकी अच्छी बन सकती है उसके अभी बच्चे ना अच्छे बनते नहीं है, मतलब बच्चे कहने का मतलब निकलते ही नहीं है। अब बड़े चीने का पट्ठा आपने देखा ही होगा, वो यार अपना मार्शल, ठीक है, वो इतना ज़बरदस्त था, उसके बारे में मैंने बताया भी आपको वो क्या थी, उसमें क्या चीज़ थी, है ना, तो उसका वो मार्शल बना था तब, मतलब 11 बच्चों में से 1 बच्चा था वो पट्ठा और 2 पट्टियाँ थी अपनी वाइट वाली, इस बार भी ये 2 पट्टियाँ बनी है और 1 देसी अपना, ठीक है, तो पट्टियाँ बनी जा रही है, पट्ठे बनी नहीं रहे, हमको चाहिए भी पट्ठे यार, पट्ठियाँ क्या करेंगे, हम पट्ठियाँ सेल भी नहीं करते हैं, ठीक है, जो मेन ब्रीड में से हम लोग उनको सेल भी नहीं कर सकते, तो पट्ठे बने तो यार अलग बात है ना। चलो यार ये नहीं बोलता कि 10 अंडे रखे हैं, 10 में से 5 बच्चे निकले और 5 के 5 पट्ठे, कम से कम 5 में से 2 तो पट्ठे बने ना यार, फिर अब 5 में से 2 पट्ठे बनेंगे तो यार एक उम्मीद रहती है, एक आस रहती है किस चीज़ की, पता है यार जैसे अभी मार्शल था लास्ट टाइम, मार्शल की मतलब मरने के बाद, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, कोई पट्ठा नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं कर पाए फिर हम, तो वही चीज़ है ना, अगर यार 2 पट्ठे हो कम से कम एक
एक से तो उम्मीद होती है ना कि यार एक पट्टा तो अपने पास बचेगा, पर यार अगर एक एक ही भी एक निकल रहा है और वो भी ना बचे तो फिर उसका क्या फ़ायदा ना। तो इसी चीज़ के सोचता हूँ कि यार पट्टे बन जाए ताकि आगे जाके अगर बाई चांस यार कभी ना कभी क्या पता कौन से टाइम पे किस मुर्गे को क्या हो जाए ना, तो ब्रीड बची रहनी चाहिए। पर क्या सीन हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रही भाई, ऐसी नज़र लगी पड़ी है पता नहीं यार। बच्चों को अंडे ही नहीं, मुर्गियाँ अंडों में से बच्चे नहीं निकालती, पता नहीं अच्छे भले जो मुर्गियाँ अंडे में से बच्चे निकालती है वो भी मुर्गियाँ अंडे में से बच्चे निकलवा ही नहीं रही, या तो फर्टिलाइज नहीं हो रहे अंडे, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो दोस्तों यार अभी आ गए थे छत पे, ठीक है, बर्ड्स खोलने के लिए अपने। तो मैंने यार थोड़ा सा थका सा फील हो रहा है आज, तो आके पहले मैं थोड़ा सा बैठ गया था। तो बाकी मैं ये कहता है यार, सच मेरे को कमेंट में भी पूछ रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे यार, उनको लग रहा है कि ये मतलब जो मैंने धागे बांधे ना वो मतलब वो बोल रहे हैं कि नज़र नहीं लगती इसलिए बांधे हैं। हाँ मेन बात तो यही है, पर इसलिए बांधे हैं कि नज़र वज़र ना लगे, पर मतलब उसमें कोई वो नहीं है भाई कि वो कौन सा धागा है भाई, कौन सा धागा है, कैसे बनाना है, उसमें कुछ ऐसा थोड़ा है कि भाई उसको कैसा बनाना है। आप कोई भी मतलब उसकी कौन सी दुकान होती है जो भी है वो वहाँ से अपना धागे का रोल लेके आ जाओ, ठीक है, और उसको आपको चाहे सिंगल कोट में बांधे सिंगल कोट में बांध दो, या आपको थोड़ा सा ना जैसे यार अभी एक सेकंड, जैसे ये देखो मेरे हाथ पे ये जो थोड़ा सा ना ऐसे बना के, तो ऐसे बना के डालना, ऐसे बना के डाल दो, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि यार कैसे बनाना है क्या करना है, वो तो बस ऐसा होता है जैसे काला टिक्का लगाते थे पहले, वही सीन है अभी, काले मतलब इनके हमने धागे बांध दिए। तो यार बाकी अपना वाइट लेग वाला खुला है और स्लेटी पट्टी खुली हुई है, ठीक है। बाकी यार मेरे को अभी जैसे आपको बता दें मैंने नाटी के, तो बच्चों के चांस लगते नहीं मेरे को, दो में अंडे में बच्चे दिख रहे हैं, वो निकले ना निकले वो भी क्या पता भाई, क्या अब तो वो अंडे मतलब चिपके ना हुए हो ना, अगर जैसे मतलब अंडे ख़राब हो जाते हैं ना वो चिपक जाते हैं, वो निकलेंगे कि नहीं, बाकी अभी इसका भी नहीं पता फिर ऐसे तो ना, क्योंकि इसकी मादी जो अभी मैंने बिठाई वो भी निकालेगी कि नहीं निकालेगी उसका भी नहीं पता मेरे को अभी, बाकी चलो देखा जाएगा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे यार। चलो ना पता नहीं यार क्या सीन है, पहले ना लोग हमें बोलते थे कि भाई मैं तुम्हारे पास अंडे भेज दूंगा बच्चे निकलवा के दे देना, हमारे घर में मतलब यार इतना बढ़िया था माहौल, ठीक है, कि बच्चे निकलते थे भाई 10-10, 12-12 बच्चे निकलते थे, वो बात अलग है। हमारे पास मतलब पहले नेवल वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे जो बच्चे उठा के ले जाते थे, उसके बाद भी आपने देखा चौबर जो थे हमारे वो 14-15 बच्चे थे, ठीक है, उसके बाद मार्शल के साथ वो भी 10 बच्चे थे, अपना वो जो माइकल था वो 11 बच्चे थे, ठीक है, उसके बाद लाइगर और सुल्तान वो 7 बच्चे थे, ठीक है, उसी में से वो 5 बच्चे थे, फिर आते 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 मेरे पे 5 बच्चे थे, ठीक है वो, और उसके बाद फिर जो मैंने आगे आगे निकलवाए किंग वाले हो गए, ठीक है, किंग के बाद अपने ये वाले स्लेटी डाकू वगैरह जो निकले थे ये भी मेरे पास 6-7 बच्चे थे, ठीक है, इसमें से मेरे पास 2 ही बचे थे, ठीक है, बस बचते ही नहीं है, निकलते बहुत है अब तो, पर ये सीन हो रहा निकल ही नहीं रहे भाई, अब तो निकल ही नहीं रही ये वाला सीन हो रहा यार, अपने छोटे जीने के यार बच्चे तो यार मुश्किल ही है ना। तो बाकी यार आप लोग दुआ करना कि यार अपने वाइट लेग वाले के बच्चे आ जाएं बस, अब ठीक है, अब आपकी दुआ ही है जो अंडों में यार बच्चे बना सकती है, ठीक है, दुआ करने से तो आपको पता है भाई कुछ भी हो सकता है, अगर आप लोग करोगे तो बच्चे अपने पास आ जाएंगे, क्योंकि यार अपने पास बच्चे नहीं आ रहे यार, कितना टाइम हो गया। तो यार इसके पता नहीं अब एग कब ले पाएंगे, बाकी इसका चेहरा वेहरा बिल्कुल सेट है, सेट हो गया, ठीक है, और यार पूंछ भी इसकी वापस से ठीक है, एक जो पर था इसका वो निकल ही गए थे उस दिन, एक दो जो निकलने वाले थे, ठीक है, बाकी यार इसके साथ मैंने वापस ये खोल दिया, ठीक है, छोटा चोना इसको, छोटा चीना जो है ना इसको यार इसके अगर मैं हैंड क्रॉस करवा रहा हूँ वो नीचे हो नहीं पा रहा है इसके साथ, प्रॉपर लगा नहीं पा रहा है इसको अच्छे से, तो मैंने साथ वापस इसके साथ खोलते हैं, बंद नहीं करूँगा इसके साथ क्योंकि आपको पता है ये पर खा जाएगी पूरा, मुश्किल से अपना चीना बड़ा चीना इतना खूबसूरत हो रखा है ना, तो हैंड क्रॉस करवा के देखता हूँ करता है कि नहीं करता, ये हैंड क्रॉस करवा के इसलिए देखना है क्योंकि आपको जैसे कि पता है यार जोर लग गया था इसका परसों है ना, तो उसकी वजह से ना थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं बर्ड्स, कोई भी हो चाहे जितना मर्जी गर्म बर्ड हो अगर वो थोड़ा सा शौक कर लेते हैं ना जोर ज़्यादा लग जाता है उनका आपस में, तो वो हैंड क्रॉस करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं। तो अपने पास ना ऐसा या ऐसे, ठीक है, ये जैसे पट्टे हैं ऐसे भाई कम से कम 5-10 पट्टे हों अपने पास, मज़ा ही आ जाएगा, चेक करो यार, एक एक पट्टे रहते हैं ना तो यार टेंशन बनी रहती है आगे के लिए, ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए ब्रीडिंग के लिए, तो ऐसे 4-5 पट्टे हो ना फिर टेंशन है, वो देखो बाकी भाई नीचे से भी देख रहे हो ना तो इसके इससे ऊपर ही हो रहा है वो ड्रम के, अब चलो ठीक है बढ़ जाएगा धीरे धीरे, ना 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 बेटे झगड़ना नहीं है।
तो बताना गाइस सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। ऐसे अगर आप अपने पास अगर यार 5-5, 6-6 पट्टे हों फिर अपने को टेंशन नहीं रहती ना आगे की ब्रीड के लिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? अब मेरे पास ये लास्ट है और ये दो मादियाँ और दो इनकी बड़ी बहनें हैं, ठीक है, जो दोनों वाइट में हैं। पर ये जो है ये सारी जो अपने में रंग बनते हैं वो रंग में, और जो इससे पहले वाली जो पटियाँ हैं वो अपने बड़े चीने के रंग में है, ठीक है, चीनी रंग में। तो यार पट्टा झगड़ बैठा था आज अपनी माँ से ही भाई, बहुत बजाया उसने अपनी माँ के, पता नहीं क्या हो गया देसी को एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, डेली डेली खुलता जा रहा है और ये कुछ नहीं, डर खुलता जा रहा है उसका डेली डेली। तो यार दोस्त लोग बोल रहे थे वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करो भाई, 10 मिनट तक यार बहुत होती है, 10-12 मिनट तक, इससे लंबी यार बंदा ना सामने वाले को फिर क्या क्या दिखाऊँ मैं। डेली एक ही चीज़ दिखाता हूँ आपको पता है, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता। बाकी किंग खुला हुआ था, सर पर हो रहा है। हाँ देखते हैं और कितने दिन लेगा ये, दिन तो छोड़ो महीने ही लेगा, और जहाँ तक मेरे को पता है ना दिन नहीं महीने ही लेगा। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।